बिल्लर हमीम से क्लास होप यू ऑल फाइनल लेट्स ओपन योर इंग्लिश लैंग्वेज वर्कबुक जी पेज नंबर वन पेज नंबर है आप लोगों का वन सेवेंटी तो जी देखें हम लोगों ने हम लोग आज नेक्स्ट स्टोरी करेंगे दी वुल्फ एंड दी लैम भेड़िया और मैमना जी भेड़िया और मैमना तो देखें वंस

इसने नदी के निचली तरफ एक मैम ने यानी बैठ बेड़ के बच्चे को पानी पीते देखा ही वॉन्टेड टू ईट अप दी लैम वो आ, मैम ने को खाना चाहता था ही शुड बाय आर यू मेकिंग दाटर मडी वो पुकारा तुम पानी को गदला क्यों गदला क्यों कर रहे हो यानी गंदा क्यों कर रहे हो दी लैब वाज मच फ्रेड एंड ही सेट सर हाउ कैन आई मेक दी वाटर मडी मैमना बहुत खौफजदा हो गया था और उसने कहा जनाब मैं किस तरह पानी को गदला कर गदला कर सकता हूँ इट इज़ फ्लाइंग फ्राम यूट्यूब मी ये आपकी तरफ से uh, uh, बैक कर मेरी तरफ आ रहा है दी वुल्फ अगेन शोटेड बाई डिड यू अब्यूज मी लास्ट ईयर भेड़िया दोबारा चलाया चलाया तुमने मुझे पिछले साल गालियाँ क्यों दी थी गालियाँ क्यों दी थी दी पुअर लैब रिप्लाइड सर आई एम ओनली सिक्स मंथ्स ओल्ड नाउ बेचारे मैम ने जवाब दिया जनाब इस वक्त मेरी उम्र छः महीने से छः महीने है आई वॉज़ नॉट इवन बॉर्न लास्ट ईयर मैं पिछले साल तो पैदा भी नहीं हुआ था जी आगे नेक्स्ट देखें दी वुल्फ वॉज मच आ, एंग्री भेड़िया बहुत नाराज़ था था या गोटेड देन इट मस्ट हैव बीन योर मदर वो दोबारा चलाया फिर ये तुम्हारी माँ ही होगी ही सेइंग दिस ही जम्पड एट दी लैम एंड टोर इट इनटू पीस ये कहते ही वो मेमने पर जपटा और उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले मॉरल एनी एनी एक्सक्यूज इज गुड गुड इनो फॉर एंड डोर ईवर डियर जी डियर तो इसका मॉरल है बुरे शख्स के लिए कहीं बहाने होते हैं तो जी आप लोगों को स्टोरी में ये उन्होंने बताया है कि वो जो भेड़िया था वो उसको मैमना को खाना चाहता था तो उसने मैमने ने उसने इसे पिछले साल का बोला कि तुमने पिछले साल मुझे गालियाँ दी थी तो मैमने ने कहा कि नहीं मैं तो पिछले साल पैदा ही नहीं था उसने ये बहाना किया था तो वो फिर उसने उसको तंज किया कि फिर तुम्हारी माँ ने दी होंगी तो ये चीज़ उसने बताई है कि लोगों के पास बहुत बहाने होते हैं तो इसलिए बुरा शख्स जो है वो बुरे के लिए कई बहाने होते हैं जो मतलब खुद जो है वो कई बहाने बना लेता है मतलब जब उसने अपने आप पर बात ना करनी हो तो वो आगे से कोई कोई ना कोई बहाना बना लेता है तो ये स्टोरी का मॉरल था कि बुरे के लिए कई बहाने होते हैं तो दी वुल्फ एंड दी लैब ये आपकी स्टोरी है जी सेवन क्लास ये आपकी स्टोरी है इसको आपने दी वुल्फ एंड दी लैब तो इसको आपने जो है ऐसे ही अपनी नोटबुक नोड़, पर नोट डाउन करना है ये ऊपर आप लोगों ने हेडिंग देनी नहीं है ब्लैक्स और ये बाकी सारी स्टोरी जो है वो ब्लू से लिखनी है और इसको आपने लर्न भी करना है प्रैक्टिस रजिस्टर डिस्टर्ब प्रैक्टिस वर्क करना है याद करके ओके जी हाफिज़